हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिंग गेमर्स। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। लेकिन पुलार बियर मेरे को बहुत सता रहा है यार, क्या करूं, उसको मार दूं यार। मैं जो इसको मारने का भी मैं आप लोगों को एक जबरदस्त वाली चीज दिखाता हूं। आपने पिछली वीडियो में तो देखूंगा हमारा घर के पास का इलाका कितना खतरनाक था, आप देख सकते हो। आप ये देखो क्या जबरदस्त बनाए उन्होंने, कमेंट करके बताना कैसा लगा। ये वाटरफॉल है, वो तो आपको भी दिख रहा है। और ये मेरी खेती बाड़ी है। लूटो लूटो लूट लो, अपना माल है, अपना माल है, लूटो। मैं लूटो क्यों बोल रहा हूँ, ये तो मेरा है ना, इसको लगाना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पे भी आ गए, मैं तो समझो उधर ही रहेंगे, भागो। ये झाड़ पे, अबे ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये दूसरे झाड़ पे चढ़ता हूँ मैं। चढ़ जा बे, चढ़ जा। ये परेशान कर दिया पोलार बियर मेरे को। अबे चढ़ जा बे, अब बहुत हो गई इसका तमाशा, अब मरेगा ये, मरेगा ये। ले पट से हेडशॉट, कैसा पड़ी हाँ, कैसा पड़ी, तेरे को भी मारूं क्या? नहीं रेंदे, माफ किया जा, जी ले अपनी जिंदगी, तू क्या समझेगा किससे पाला पड़ा तेरा। ये पिगी को मेरे को टेम करना है, मतलब फीड करना है। उसके लिए पहले मेरे को यहाँ पे जगह बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं फेंस बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा डर्ट, ये आ गई डर्ट, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे फेंस। ये घर नहीं बन रहे, ताजमहल बन रहे। कुछ भी ऐसे लग जा, ऐसे मुझे लग रहा है जगह छोटी पड़ रही है, इधर भी कर लेता हूँ। ऐसे लग गया, अच्छा दिख रहा है। गेट भी लगाना पड़ेगा ना, वे सरक जा, तेरे को पड़ जाएंगी। चलो रात हो रही है, परसे सो जा तू। गुड मॉर्निंग यहाँ से कहाँ से कूदूँ, कूद गया, वे बच गया, उठा लिया। अब मुझे गाजर लाने पड़ेगा, गाजर नहीं है ना मेरे पास, गाजर लाता हूँ मैं, फिर पिगी को फीड करूँगा। यार मैं विलेज से आ रहा हूँ, मुझे एक भी गाजर नहीं मिली। मैं तो उसको दे दिया थोड़ी बहुत फीड, वैसे नहीं दिया, लेकिन यार एक भी गाजर नहीं मिली मेरे को। सही में ये विलेजर है ना बहुत गरीब है, मुझे इन लोग की मदद करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त वाली, हम खुद की माइन बनाने वाले हैं। यहाँ से फिर मैं रूम को सही कर लेता हूँ, जहाँ पर हमारा रूम भी बनेगा और यहीं से हमारी माइन भी रहेंगी। माइन का काम तो हम करते रहेंगे, साथ में हम अपना पहले घर भी बना लेते हैं। यार आपको तो मालूम ही है मेरा घर कितना खतरनाक है, वैसे जब मेरा घर बनेगा ना तो अंदर से ताजमहल, बाहर से लाल किला, और हकीकत में तो एक बंगला रहेगा। कुछ भी, समझ रही हो, कुछ भी। घर का काम भी हम करते रहेंगे। आप अभी का तो ये देखो वाटर बकेट ट्रिक, ये कूदो। ओ भाई बच गया, देखो बच गया मैं, देखे आते क्या, देखो बिना वाटर बकेट लगाए बच गया। किसी को आता है ऐसा करना, आते है तो बताओ, कमेंट करके बताओ आते है तो। और हाँ मैं नया काम चालू कर रहा हूँ मजदूरी का, किसी को ऐसा गड्ढा खुदवाना या दीवार तोड़वाना है तो मेरे को कॉल कर देना, मैं कर दूंगा। मजाक कर रहा था, मेरे को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, करना पड़ रहा है, वैसे तो करना ही पड़ेगा अगर से अच्छा बनाना है तो। ये कर दिया दरवाजा बंद, अब हमें चलना है माइनिंग की तरफ, मतलब हम अपनी माइन बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। पहले तो मैं थोड़ी सी जगह बड़ी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे बनाता हूँ।
और हाँ, अगर से आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पट से जाके देख लेना, लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देखो। हाँ, और सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक कर दो, समझे? नहीं। फिर से गुड वाली मॉर्निंग। और ये गुड वाली मॉर्निंग में ये बेड वाले इंसान कहाँ से आ गया? ओए ये बचाओ, ओए भागो भाई, अबे गिरा। वैसे मैं तो प्रो हूँ, मैं इसको आसानी से हरा दूंगा, लेकिन मुझे आपके एक लाइक की जरूरत है। पट से वीडियो को लाइक कर दो, फिर मैं इसको हरा देता हूँ। थैंक यू लाइक के लिए। करीब में और तो नहीं है ना? अब चलो मैं इसको मारता हूँ। आर्मर भी बिल्कुल रेडी है, ये वाटर बकेट, लेकिन वाटर नहीं है, गलत बात है। कोई बात नहीं, डायरेक्ट कूदेंगे पानी में। ये चलो, कहाँ है बे? आजा आजा, दम है, आ आ, लड़ मेरे से। मारा नहीं पड़ती, ये पड़ी। ये मार मार मार, पट पट से हेड शॉट, ये पड़ गई। सीखो कुछ, सीखो, ऐसे हराना पड़ता है। कुछ भी कुछ भी। वो घुसपैठिया यहाँ से घुसा था ना, अब अगली आने वाली वीडियो में हम इसको पूरा कवर करेंगे। बहुत मजा आने वाले है आगे वाली वीडियो में, ऐसी वीडियो आते रहेंगे। तो बाय बाय, अभी नहीं है, थोड़ी देर के बाद। माइंड बनाते बनाते मुझे एक माइंड मिल चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे गया था, अब बस आपको दिखाने के लिए। ओ भाई, गया गया भाई, ये मेरे से धोखे से पड़ गई। मैं यहाँ तक आया था, टॉर्च देखो यहीं तक लगाया हूँ मैं। रेड स्टोन तो का तो अभी कोई काम नहीं है। इधर साइड चेक करते हैं, उधर साइड शायद लाव है। ये यहाँ पे, ओ भाई डायमंड मिल गया मेरे को। पहले तो डायमंड तोड़ूंगा मैं। ये पानी को कर दिया मैंने ब्लॉक, अब चलो डायमंड तोड़ने। कलेक्ट कर आता हूँ। अबे गया गया, अबे वाटर बकेट तो है। ये प्रो की यही खासियत होती है, उसके पास हमेशा एक वाटर बकेट रहती है। अच्छा, वो वाटर बकेट मेरे साथ थी। हाँ, अभी तो मैं गया था। हमेशा वाटर बकेट। वैसे मैं आर्मर तो पहना हूँ उतनी भी। इसको भी बुझा देता हूँ, ब्लॉक लगा देता हूँ। यहाँ पे गोल्ड भी है यार, लेकिन गोल्ड का तो उतना काम नहीं है अभी। गोल्ड वैसे भी मेरे लिए वेस्ट है मेरे हिसाब से। कुछ भी कुछ भी। ये डायमंड ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो आयरन की पिकेक्स ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसके बाद मैं फर्नेस बना लूंगा इससे। फर्नेस कोल तो अपने पास है। पहले तो मुझे देख लेना चाहिए ये डायमंड ज़्यादा है या एक ही है। भाई एक नहीं, एक नहीं, ये बदकिस्मती से सिर्फ एक ही डायमंड है। भाई मिला भी तो सिर्फ एक डायमंड, ये कैसी किस्मत है। लेकिन ये हमारा पहला डायमंड है। कोई बात नहीं, हम अपनी माइंड बना रहे हैं ना, उसके अंदर तो हमें ढेरों डायमंड मिलेंगे। ये हो गया, तीन आयरन स्मेल्ट हो गए। अब इसे मैं पट से बना लेता हूँ पिकेक्स।
ये पिकेक्स बस, अब हम इसे तोड़ लेते हैं। लेकिन ओ भाई इन्वेंटरी में जगह ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि यहाँ पे मैं लावा नहीं रहने दिया, वरना ये तो बहुत बेकार बात होती। आ गया, ये गोल्ड हम बाद में तोड़ लेंगे क्योंकि वैसे भी ज़्यादा काम नहीं आता, सिर्फ ये नेदर में थोड़ा बहुत काम आता है। अब हम अपनी माइन बनाने का काम चालू रखते हैं। लेकिन अब हमारी वीडियो होने वाली है एंड, तो यार अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकॉन भी दबा देना, हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नहीं और हम अपनी माइंड अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे।